वजह से वो डांडिया समारोह वालों ने हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया। नानी शुक्र करो धक्के की वजह से आपको भागने के लिए एक स्टार्ट तो मिला। ओ गॉड मैं हेलो अनिल सर, हाय हाय, आई एम बंपर, हाय हाय। नो नो, ही इज हर्षवर्धन कपूर। ओ ही लुक्स सेम लाइक अनिल कपूर। नो नो नो, एक्चुअली मैं अनिल ही हूँ, आजकल थोड़ा सा हर जैसे लगने लगा हूँ। एवरी डे यंगर यंगर। हेलो हेलो सर, लेकिन सही में कह रही हूँ आपसे मिलके हर बार अंदर से ऐसी झकास वाली सच में इट्स सच अ प्लेजर। और सर आपका तो कमाल है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मतलब इतने सारे लोग ना इंडस्ट्री में आते हैं और इतने सालों सालों काम करते हैं और बड़ा नाम करते हैं, ये तो आए इतने बड़े नाम के साथ हैं, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, अगर आप फिल्म नहीं भी बने तो भी आपका नाम बड़ा ही रहेगा। बहुत सही कहा तूने, लेकिन आज तो यह मजा ही आ गया, प्रकाश विद जकास। क्या बताऊं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, आपके सारे फिल्म देखे मैंने, सिर्फ 5 फिल्म छोड़ के। कौन सी 5? दिल्ली 1-5। पता ही नहीं चला कब लगी कब उतर गई, सीधे दिल्ली 6 देख डाली मैंने। दिल्ली 6 क्या गाना था ना वो, मसक कली कसक कली। अनिल भी था ना उसमें? नहीं नहीं वो मैं नहीं था, वो नहीं था। नहीं, नहीं, लेकिन अगर आप भी वो गाना करते ना बहुत अच्छे लगते हैं आप। क्या करते है? क्या है अभी करा देते अनिल करेगा ना गाना? मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। झकास बताइए क्या कर रहा है? मैं अभी बताती हूँ। आजा बाल खराब हो जाएंगे इससे लगा लो। नहीं नहीं बाल खराब हो अच्छे हो फिर भी मैं हैंडसम लगूंगा। वाओ हाउ क्यूट। लाओ कबूतर वापस दे दो, थक गया बेचारा। बुड़बुड़ू बुड़बुड़ू कबूतर थक गया लेकिन मैं नहीं थका। बैठिए सर। सर मेरे को यहाँ लगा 50-50 हॉस्पिटल में डाल दो, मैं हार्ट अटैक होना। सर इधर तो फिर भी बच जाएंगे, उधर बचने का कोई चांस ही नहीं है। वैसे राकेश जी मुझे भी ना मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मिर्ज़िया इज अबाउट अ कपल हु डेयर टू लव। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी अपने दिनों में ना कई बार डेयरिंग दिखाई है। कई बार बहुत डेयरिंग है ये। डेयरिंग? हाँ कैसे बताइए डेयरिंग कैसे मतलब? डेयरिंग क्या, पूरी डेयरी है ये तो देखो आप। ये इतनी मोटी चमड़ी ना पाजी, इसको परसों सांप काटने आया उसके अपने दांत टूट गए, बेचारा पोपला अभी खुद बीन बजा के अपना रोजी रोटी कमा रहा है। डेयरिंग है तू। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कपूर शर्मा, क्या कमाल की बात की आपने। ये जो कटु शब्द आप बोलते रहते हैं कपूर शर्मा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में खत्म भी तो होते होंगे, फिर आप इनसे रिफिल कराने के लिए गंदी बातों के पंप पे जाते होंगे, कहते होंगे जल्दी जल्दी मेरे अंदर गंदी बातें भरो, मुझे बम्पर को बोलनी है। वैसे मैं आपको अपनी डेयरिंग बता रही थी। हुआ क्या था, हमारा ये जो मोहल्ला है ना उसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनसे कोई प्यार नहीं करता था, बट आई डेड टू लव हिम। पर पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं उनकी साली बन गई हूँ। वाकई में अनिल साइंटिस्ट बहुत बड़ा था, इसको तो सिर्फ साली बनाया, इसकी बहन को माँ बना डाला। एक्चुअली इससे शादी करने वाला था पहले, वो कहते जयमाला करनी है, तो जयमाला आई तो कहते लड़की की तो गर्दन ही नहीं है। बंपर नानी तुम लोग इतनी मिठाई की दुकान की तरह सजी घूम के रही बाय द वे। नहीं मैं बताती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। हम डांडिया खेलने गए थे। अच्छा। वहां पर आपकी ये जो नानी है उन्होंने ऐसा डांडिया खेला के सामने जो आदमी खड़ा था उसकी नाक में दोनों डांडिया हालो रे हालो डम। रियली नाक में ऐसे। हाँ तो क्या हुआ, जान बूझ के मैंने किया था राकेश। क्यों? सामने वाले बंदे को जुकाम हो गया था
उसकी नाक बह रही थी जिसकी वजह से ग्राउंड काफी स्लिपरी हो गई थी। मैंने सोचा इससे पहले कि लोग गिरे पड़े मैं फाटक ही बंद कर देती हूँ। चलो जाके डांडिया खेलो, आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। हम जाके क्यों खेलें, हम आके खेलेंगे? नहीं मतलब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो यहाँ पर हम डांडिया खेल सकते हैं। अनिल के साथ खेलूंगी। अनिल मैं भी खेलूंगी। सर आपको भी खेलना होगा। सर ये नाक में ना डालें आप। नहीं 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 वो वाला तो वही रह गया, ये दूसरा पीस है। अनिल सर के लिए जोरदार तालियां और आपको मेरी तरफ से भरपूर गालियां। हट सर, सर टू गुड आ गया। गलती हो गई सर, मिर्सिया तो यही थे। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब कपिल के शो के लिए कर रहा था? किसके लिए? एक्चुअली मैं इनको इंप्रेस कर रहा था। आपने साबित कर दिया कि आप ही हैं मिर्जा। तो मैं ही मिर्जा हूँ। नहीं नहीं आज मैं इंप्रेस हुआ तो नानी से। आप तो अभी इंप्रेस भी हुए ना, अभी आप अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट देख लें तो आप स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। इसी तरह लगे रहो अनिल, दिन ब दिन जवान होते जाओ। और तुम्हारी बेटी की फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। और आपको भी बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ बाय बाय। हेलो हेलो हेलो। What a lazy day, yeah. Myself, Dr. Monsieur Gulati. Such a pleasure to meet you, sir. Same here. Same here, sir. Same here. अनिल सर बैठ जाइए, पागल है डॉक्टर ये है। पहले मेहमानों से हाथ मिला था, फिर काट भी देता कभी कभी। इनको इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपने। हाय आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। डॉक्टर मिश्र गुलाटी 1 BHK। 1 BHK मतलब? इनके नाम पे शो चल रहा है, 1 BHK मतलब पूछ रहे हैं ये बताइए। नहीं 1 BHK तो मेरे को पता है। वही तो पता है तो भाई मैं वो तो बड़ी मतलब क्यों पूछते हो? तो डिग्री कौन सी होती है मशहूर गुलाटी 1 BHK मतलब क्या? डिग्री ही होती है, 1 मतलब मैं 1 और BHK मतलब बहुत ही खुश। खुश बिकॉज आई एम मीटिंग मिस्टर अनिल कपूर। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपको पता है मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए हैं तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। तो आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। डॉक्टर साहब आप बहुत फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने ना आपकी गर्दन का एस्टर्न को मारा ना मैंने। आपको किसने बताया आप यहाँ पे आए हुए मेहमान डिस्टर्ब करने आ गए आप? मुझे वाओ या मुझे ना। इधर आइए बैठिए, इधर आइए। थैंक यू सो मच। आराम से बैठिए। मेरे यहाँ दर्द होता था फिर मैं आराम से कैसे बैठूंगा। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि मैं, मेरे को पता कैसे चला भी आप आए। मुझे ट्विटर से पता चला। आजकल सब कुछ ट्विटर से पता चल जाता है। या क्योंकि मेरे नियर एंड डियर फ्रेंड आजकल ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। अनिल जी मैं काफ़ी ट्वीट करता हूँ बट कभी कभी ये उसका असर नहीं होता। ये एक ट्वीट करते हैं वो काफ़ी हो जाता है, आप देखिए उस हिसाब से। डॉक्टर डॉक्टर मुझे सिद्धू साहब दुनिया कहती है हो, बट अंदर से मैं एक मिर्जा हूँ।
मिर्जा आप कहाँ से हो गए? आपके ऊपर कर्जा है मिर्जा तो। मिर्जा आपको पता कितना बड़ा योद्धा था? तो मैं भी तो योद्धा ही हूँ, बस थोड़ा सा फर्क है हम दोनों में। मिर्जा की जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने अपने भाइयों की वजह से तीर तोड़ दिए थे, मेरे साथ ये नहीं हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड ने सीधा चप्पल मारी थी, कैसा फर्क था? और चप्पल भी मतलब की हील थी, पॉइंटेड हील, वो मेरे को थोड़ा सा आंख में लगी। बाकी तो आई एम मोर रोमांटिक देन मिर्जा इफ यू आस्क मी। मोर रोमांटिक ऐसे क्योंकि मुझे ना प्यार पहले हो जाता है, लड़की मैं बाद में ढूंढ लेता हूँ। मैंने ना ट्रेलर में देखा है कि आप घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा घोड़ा चलाया आपने। आपका नाम तो हर्षवर्धन नहीं बल्कि हर्षवर्धन होना चाहिए। वर्ड प्ले, मैं वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करता हूँ, बट मैं किसी को बताता नहीं हूँ क्योंकि ना उसमें फिर नजर लग जाती है। आप सोचेंगे भी अभी तक डॉक्टर साहब को क्यों नहीं नजर लगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से काला टीका लगवा के निकलता हूँ हमेशा। काला टीका कहाँ लगा? तो है नहीं कहीं लगा हुआ, ये देखो यहाँ लगा नहीं हुआ। नहीं कहाँ? अरे लगा होगा। नहीं लगा। अरे यहाँ लगा होगा। आजकल बाल और बच्चे कंट्रोल में नहीं होते तो। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, कुछ ड्यूटी बनते हैं। सर मैं आपका बीपी टेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज एज ए फादर आप लॉन्च हो रहे हैं। एज ए फादर लॉन्च हो रहे? ऐसा कौन बीपी चेक करता है? मैं चेक करता है, क्यों? Your BP is fine! Mr. Anil Kapoor, all the best! All the best! No. नमस्कार, मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता सुपर हिट शो में जिसका नाम है के भल करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Shut up. और आज हॉट सीट पे हमारे साथ विराजमान है अनिल कपूर एंड सन्स। और एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे बैठी हैं मिर्जिया से सैमी खेर एंड जेंडरलेस रिंकू भाभी। जो बोल रहे थे बोलिए तो, क्या कह रहे थे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश शो में जिसका नाम है के भल। डब्बा ही नहीं खुल रहा था, बड़ा दिनों से हमने कहा कि ये तो काम कर पाले। बदतमीज, प्रोग्राम आगे बढ़ाओ चलो। मैंने कहा था कि शाम आया तो कह देना कि छेनू आया था, कहा कि नहीं? हाँ शाम आया था, हमने कह दिया उसको छेनू आया था। फिर शाम कहता कि छेनू को कह देना शाम आया था। हम इसी काम लग रहे हैं क्या बोलने बुलाने में? हमको और कोई काम नहीं है क्या? हम मैसेज देते रहेंगे क्या? अपना सेल्फ कॉन्सेंट्रेट करो, जाओ। हाँ तेरे तीसरे का चौथा। तो चलिए खेला शुरू करने से पहले सयामी एक बात बताइए। जी सर। कि अगर आप जीत जाती हैं तो कितने परसेंट हमारा होगा? क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी डीलर का काम है, हम 10% लेते हैं, लेकिन इस केस में जितना आपका जी चाहे 50% दे सकती। मेरे 50% कपूर सीनियर और कपूर जूनियर को जाते हैं सर, तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। आमोश, नहीं तो तुम्हारे मुंह में W फंसा दूंगा। हमारे मुंह में W फंसाओगे ठीक है, पर तुम हाथ करोगे ऐसे तो उसका तो M बन जाएगा। M से याद आया, मादर फादर का हमेशा सम्मान करें। चलिए खेला खेलने के लिए तैयार है आप लोग? और क्या, इससे ज्यादा तैयार होगा? अगर ब्याह में जाना है क्या? तैयार है तैयार, खेला नहीं रहे हो 15 मिनट से, कर रहे हो तैयार है तैयार है, कितना तैयार हो गए? तेरी रिचा का चड्डा बात कर रही है।
चलिए गेम के रूल में आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जीतने पर मिलेंगे पूरे 5 करोड़ रुपए, साथ में मेरे साथ एक सेल्फी, और 10 रुपए देके आप प्रिंटआउट भी ले सकती हैं। पहला सवाल अनिल कपूर एंड सन्स के लिए। सन सिर्फ एक ही है भैया जी। एक ही बेटा मेरा कपूर एंड सन। बेटियां भी बेटों जैसे कमा रही हैं सो इसलिए। पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, हर्षवर्धन में कौन सा धन है? ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, ऑप्शन ए पराया धन, ऑप्शन बी काला धन, ऑप्शन सी महिला जयवर्धन, या फिर ऑप्शन डी। तो बताइए सर, हर्षवर्धन में कौन सा धन है? ये तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि दीरा धन तो बिल्कुल नहीं है, महिला जयवर्धन है। बिल्कुल सही जवाब। कैसा जवाब हुआ भाई, हर्षवर्धन में कौन सा धन लगा हुआ है? ये तो फालतू बात कर रहे हैं। अभी हम मान लीजिए हमने इसी हिसाब से, तो कपिल शर्मा में वर्मा का माँ है या फिर अपना मामा का माँ है, किसका माँ लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं हुआ ना, सवाल ही गलत है। अरे वाईफाई का पासवर्ड बात कर रही है। दूसरा सवाल पेश है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये अनिल कपूर जी की फिल्म आई थी वो 7 दिन, तो वो 7 दिन कौन से थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंडे टू संडे, ऑप्शन बी संडे टू मंडे, ऑप्शन सी फ्राइडे टू थर्सडे, या फिर ऑप्शन डी शोवा डे टू मन्ना डे। बताइए। इस पे मुझे लग रहा है कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन? ओके क्राउड से। एक्सपर्ट की राय, आप एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, पर एक्सपर्ट से तो पूछ लीजिए कि क्या लेना चाहते हैं। एक्सपर्ट चाय लेना चाहते हैं, हम रूट डुबा के खाएंगे। मैं चाय नहीं लेना चाहती हूँ, मैं चाय के साथ आइसक्रीम ले लो। मुझे 50-50 का ऑप्शन चाहिए। आपको 50-50 चाहिए? ठीक है, तो ये रहे आपके 50 आपके और 50 आपके। अब बताओ, अब दीजिए जवाब। इसका जवाब तो फिर हर्षवर्धन देंगे। हर्षवर्धन जी आप डायलॉग सुनिए और डायलॉग बोल के दिखाए, डायलॉग प्ले कर मामा, ए डायलॉग है बोल के दिखाए, तो फिर बात बने। क्या मैं अपने फिल्म से कुछ बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल। आकाश के पार अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, 3 गवाह है इश्क के, एक रब, एक तू और मैं। अच्छा, अगर अनिल कपूर सर बोलेंगे ही डायलॉग तो फिर कैसे बोलेंगे, ये तो देखेंगे हम। डायलॉग बोला क्या? आकाश, आकाश के पार, आकाश के पार मैं, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, आकाश में तू और मैं, आकाश में तू और मैं, 3 गवाह है इश्क के, 3 गवाहें इश्क के, एक रब, एक रब, एक तू, एक तू और एक मैं। वाह, 19 शब्दों का डायलॉग और 25 तरीके की वेरिएशन। वाह, बताइए वो 7 दिन कौन से थे? बताइए। जब कह रहे थे कि वो 7 दिन जैसे भी थे, आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों? इतने बड़े सुपरस्टार हमारे कान पे डायलॉग बोल रहे हैं। तेरे कुलभूषण का खरबंदा। तुम्हारे चाचा का चौधरी। तुम्हारी इस बात पे मैं एक शेर कहना चाहूंगा। खड़गाओ। बिल्कुल आपसे इजाजत बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। क्योंकि मैं कहूंगा ही कहूंगा कि जय ललिता को कहते हैं अम्मा है? जय ललिता को कहते हैं अम्मा, अब ममता बनर्जी को कहते हैं दीदी। तेरा मुंह देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, उल्टे करके सीधी। भाई मुझे ये बहुत शेर पसंद आया। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए, ताश में 5वां इक्का कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए चिड़ी का, ऑप्शन बी पान का, ऑप्शन सी हुकुम का, या ऑप्शन डी ईंट का। या हम बताते, 5वां इक्का हमारा, गेम हुई हमारी, हारी बाजी हम जीतते हैं। ए, ए।
महीने की 8 साल में हमको ये समझ नहीं आया तो जुआ बना गया। ऐसी बात ना है हर जी, अनिल जी, सामी जी, हम बहुत अच्छा खिला लेते हैं। अच्छा, आप भी खेलेंगे? खेले खाए हैं हम बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा, ओ पहला सवाल सुंदर दिखने के लिए। हाँ, सुंदर दिखने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ए, नियत का खराबी, बी मेकअप, सी हेलमेट, या डी पॉलिटिकल साइंस? मेकअप तो नहीं हो सकता क्योंकि सयमी जैसी लड़की मेकअप के बिना बेस्ट लगती है। क्या बात, ये तो नेचुरल है ना, हम अपनी मेहनत करके सुंदर लगते हैं, पता है आपको। लेकिन जवाब आपका गलत है। सुंदर दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दारू। हाँ वो नहीं, हाँ वो क्या है, सुंदर दिखने के लिए जब हमारे मर्द आते हैं ना घर पे दारू पी के, तब हमको कहते हैं वो माधुरी दीक्षित। और जब ऐसे ही आ जाते हैं बिना दारू पिए, तब हमको कहते हैं चंद्रकांत पांडे जरा पानी तो पकड़ाना। अब हम आपसे पूछते हैं अगला सवाल। ओ हेलो हेलो, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं भी हूँ यार। ए, भाई साहब कहाँ, इतना जुगाड़ लगाया है तो भाई साहब कैसे हुआ, बहन जी हैं। मुझे आपका बहन जी पसंद नहीं आया। एक बात बताइए मेरे को, ये आपका मुंह शुरू से ऐसा है कि गन्ने की मशीन में आ गया था। अच्छा, गन्ने की मशीन में गन्ना पहली बार डालो इनसे खूबसूरत होता है, 2-4 बार निकाल के फिर डालो फिर ऐसा हो जाता है। चलते हैं हमारी खूबसूरती से, हमको देख के तो बड़े बड़े कपूरों का झकास निकल जाता है। Oh my God, अनिल कपूर साहब आए। अनिल कपूर साहब, मैं आपका बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ, आपको मिलके ही झकास हो गया। अनिल कपूर सिद्धू साहब, ये अनिल कपूर साहब हैं, इन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का दिना दिन दा करके रखा हुआ है। और अनिल कपूर साहब, ये सिद्धू साहब है, 1990 में एक बार मेरी बात सुनो पहले यार, मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ कहा, मैं मेरी बात सुनो, आप बैठी सर, 1990 में सिर्फ इसीलिए थोड़ी मशहूर है कि आप 0 पे आउट हुए थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1990 में सिद्धू साहब 26 साल के हो गए थे, और सोचो आप 26 साल का बांका गबरू, वो भी पंजाब से, उसको वकार जूनियर ने 0 पे आउट कर दिया है। मैं कहता हूँ नाकेबंदी जैसा मुंह लेके घूम रही है। मैं कहता हूँ मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारा मुंह, तुम्हारे मुंह पे धारा 1700 लगवा देनी है। ऐसा 1700 को धारा नहीं होता है, ऐसा मुंह भी कहाँ होता है। वाह वाह, ओए ओए, हर्षवर्धन आए मिर्जा, मुझे आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैंने आपका वो भी देखा अपना जो आपने किस किया है, देख के बड़ा मजा आया। अच्छा, मुझे देख के इतना मजा आया तो आपको तो बहुत मजा आया। बैठिए प्लीज। ओ सैमी, भाई सैमी बाप, मैं बहुत आपका फैन, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपका नाम बड़ा पसंद है मुझे, देख के अगर आपके दिल में कुछ आ रहा हो तो मेरी तरफ से हाँ है। बैठिए। कहती है आप, ये मैंने कुर्सी में पहिए लगवाए इसीलिए ताकि ऐसे ऐसे खेल सके, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे होते हुए उनसे छेड़खानी की तो हम बीच में आकर बैठ जाएंगे, बोल रहे हैं बेटे आप तू है। अच्छा, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, गाने में कितना जी है? आपका ऑप्शन है ए 1G, बी 2G, सी 3G, या डी 4G। कितना जी है इस गाने में? फोर फोर फोर, चार चार जी हैं।
एजी ओजी लोजी सुनो जी नहीं करके दिखाए तो पता चले करके दिखाए हमारा दिल कर रहा है ऐसा सवाल था नहीं हमने बना के पूछा है साहब सहमे जी क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं मैं इसको मारना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ये चली जाए दुनिया से चली जाए मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल बहुत ज्यादा मेरे को वॉमिटिंग होती है मैं बहुत ज्यादा मेरा मन कच्चा होता है इधर देखो खूबसूरती देखो ऐसा लग रहा है भगवान ने बैठ के एक डेढ़ महीना आराम से बनाया इसको लग रहा है भगवान के किसी आदमी ने कहा जी बन के कहते भेज दो भेज दो जमीन पे भेज दिया जब इनको भगवान ने बनाया ना उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा भी कि इसमें जान डालनी है कि तस्मे और शूज जैसा मुंह बन गया था अच्छा मेरा एक सवाल है मैं सैमी से पूछना चाहता हूँ मेरे ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है मेरा सवाल ये है बेटे सॉरी मेरे मुंह से बेटा दिख गया आदमी को जो मतलब मेरा किस वगैरह होती है वो कितनी देर तक करनी चाहिए आपके ऑप्शन है जब तक कोई आ ना जाए या फिर ऑप्शन बी जब तक दिल करे मैंने आपकी इर्द गिर्द रहना है बहुत अच्छा लगा मेरे को मैं बस मिर्जा के लिए बनी हूँ तो मिर्जा सवाल का जवाब दे मेरी बीवी मेरे को यही कहती मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हूँ मैंने कहा लेकिन मैं दूसरी बीवियों के लिए बना हूँ मैं तुम्हारे लिए बना नहीं एक सवाल सुन के ना हमको तो हमारे हस्बैंड का याद आ गया मिस कर रहे हैं उनको उनको अगर होते तो उनको बुला लो जरा वो आ जाए तो हो जाए हमारी लाइफ में झिंगा लाला उलाला उलाला तूने ज्यादा बकवास की मैं तुझे उठा के फेंक दूंगा इन नाला मेरे से आता पाई नहीं करनी मैं कहता हूँ ये पाजी दिखने में औरत है मुक्का इसका मर्दों वाला है देखो मेरे साथ लड़ाई नहीं कब से देख रहा है गेम चल रहा है करोड़ों का डील चल रहा है तुम यहाँ आला भाला नाला कर रहे हो ऐसे किधर चलता है मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैं इज्जतदार घराने से हाँ पता है ए पिछड़ जाओ मेरे साथ आता भाई नहीं करनी तो उनको कैसे आप खींच सकते हैं हमको खींचे तब भी समझ आए समझ मैं सुनता मेरे आता भाई हो रही है मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये अरे अरे कैसे हो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था यार इधर बैठे और कैसे हो बहुत बढ़िया इधर से सोशलाइज नहीं करना है समझे चलो इधर से यहाँ पर यार कमाल होगी मैं दिल्ली से आया हूँ स्पेशल मैं बाहर जाने के लिए आया हूँ आपको जो पैसा दे दीजिए ले लीजिए आप जीत गए चलिए सर सर पैसे दे दीजिए सर पैसे दे दीजिए सर पैसे देगा कौन सवाल तो यही है मेन मेन सवाल तो हमने पूछा ही नहीं कि पैसे देगा कौन मैं अनिल कपूर साहब आपके बेटे की पहली फिल्म आ रही है मुझे बहुत खुशी हुई जान के और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और थैंक यू सो मच आप हमारे मोहल्ले में आए थैंक यू सर प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स